हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सबके बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि ब्लू और ग्रीन स्टेशनरी का कलेक्शन लेकर आओ। तो गाइज मैं आप सबके लिए पूरा बॉक्स भर के ब्लू और ग्रीन स्टेशनरी लेकर आ चुका हूं और आप देख सकते हो इधर से जो आधा बॉक्स है वो ग्रीन स्टेशनरी से भरा हुआ है और इधर से जो आधा बॉक्स है वो ब्लू स्टेशनरी से भरा हुआ है। और आज इन दोनों स्टेशनरी के बीच में होने वाला है कॉम्पिटिशन। देखते हैं ब्लू स्टेशनरी विनर होगी या फिर ग्रीन स्टेशनरी विनर होगी। और ये चीज मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सी स्टेशनरी विनर है, ये बात आप लोग बताओगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट में एंड में आपको बताना है कि कौन सी कलर की स्टेशनरी विनर है। और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं, हमारे पास यहां पर एक ब्लू कलर का आउल वाला पेंसिल शार्पनर है। देखो यहां पर आउल है बहुत प्यारा और यहां पर दो दो ब्लेड आपको दिख रहे होंगे, दो दो होल है यहां से पेंसिल शार्प करने के लिए और यहां से ओपन करके बाद में आप ऐसे डस्ट निकाल सकते हो। इसके अंदर एक बड़ा ब्लेड और एक छोटा ब्लेड देखने के लिए मिल जाता है। इधर ग्रीन कलर का हमारे पास एक कैप्सूल आपको दिख रहा होगा, ये बेंटेन का कैप्सूल है गाइस। ये कैप्सूल वाला पेन है, आपको इस तरीके से खोलना और झटका मारना है तो देखो यहां से पेन बाहर आ जाता है और पेन को आप यूज कर सकते हो पकड़ के और वापस से यूज करने के बाद ऐसे कैप्सूल में डाल सकते हो और उसको ऐसे मुट्ठी में बंद कर लोगे तो नजर भी नहीं आएगा, इतना छोटा सा कैप्सूल है, प्यारा सा कैप्सूल। और हमारे पास इधर हमारे देखो एक बहुत ही प्यारी ग्रीन कलर की आपको गन नजर आ रही होगी, देखो छोटी सी गन है, कितनी क्यूट लग रही है ना दोस्तों। ये एक पेंसिल शार्पनर है गन की शेप में, यहां से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और यहां से कचरा निकाल सकते हो आप लोग, है ना कितना जबरदस्त। इसके बाद ग्रीन कलर का हमारे पास बोट वाला पेंसिल शार्पनर है। तो बोट में कैसे शार्प करना है आपको, आप इसको पानी के ऊपर रखोगे तैरने भी लगेगी गाइस ये बोट सच में। आप यहां से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो और यहां से डस्ट निकल ही जाएगा। पूरा कलर इसका ग्रीन है तो जिसकी वजह से बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। और सेम हमारे पास यहां पर ब्लू कलर का भी है, देखो यहां पर ब्लू कलर की बोट वाला भी पेंसिल शार्पनर है। अब बताओ मुझे में ब्लू बोट आपको ज्यादा अच्छी लग रही है या फिर ग्रीन बोट। और इसमें भी ऐसी शार्प होता है, यहां से पेंसिल डालो और यहां से कचरा निकाल लो, काफी बढ़िया है ना गाइस। दोनों ही कलर बहुत बढ़िया है। और इसके बाद यहां पर हमारे पास बहुत ही कमाल की एक चीज है, मैं आपको दिखाता हूं। हमारे पास यहां पर है बेंटेन का 20 सेंटीमीटर का स्केल, वो भी ग्रीन कलर में। देखो यहां पर एक पजल गेम है, एक मेज गेम है और यहां पर देखो 20 सेंटीमीटर का स्केल है, यानी कि आपको जो नॉर्मल शार्पनर आपके पास होते हैं वो होते हैं 15 सेंटीमीटर के, 5 सेंटीमीटर बड़ा है नॉर्मल स्केल से अगर आप ध्यान देखोगे तो। और इसके बाद यहां पर हमारे पास जंबो साइज की आपको पेंसिल नजर आ रही होगी ब्लू कलर की, देखो आपको लग रहा होगा ना कितनी बड़ी पेंसिल है। और सेम ऐसे ही हमारे पास एक ग्रीन कलर में भी है, देखो आपको लग रहे होगा कितनी जंबो साइज की पेंसिल है। दोस्तों ये पेंसिल केस हैं, इनके अंदर आप स्टेशनरी रख सकते हो, दिखाता हूं मैं आपको खोल के। तो ग्रीन वाले में भी आप रख सकते हो इस तरीके से खोल के, ये देखो खोल दिया। और देखो अब मैं दिखाता हूं आपको ब्लू वाला खोल के, और ब्लू वाले में भी आप स्टेशनरी वगैरह रख सकते हो, काफी सारी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाएंगी, आपके कलर पेंस कलर पेंसिल्स वगैरह आराम से आ जाएंगी और ये आपके बैग में इजीली स्टोर हो जाएगी, कहीं भी साइड में आप इसको आराम से रख सकते हो, कोई ज्यादा जगह भी नहीं घेरती है, ये बहुत ही सही है ये। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक यूएफओ वाला भी पेंसिल शार्पनर है, ये उड़न तस्तरी बोलते हैं ना जिसको गाइस, यूएफओ। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, इसके अंदर देखो दो दो छेद है, यहाँ से दो दो पेंसिल शार्प कर सकते हो और इसको यूएफओ को ऐसे खोल के आप बाद में कचरा निकाल सकते हो, देखो दो दो ब्लेड है यहाँ पर, कितना बढ़िया है ना गाइस। ये बहुत ही अलग ही पेंसिल शार्पनर है, मैंने भी ये पहली बार ही देखा था तो मैंने खरीद लिया आप लोगों को दिखाने के लिए, कितना मस्त है ना गाइस ये यूएफओ वाला एलियन, क्योंकि यूएफओ के अंदर ना गाइस कौन होते हैं, एलियन आते हैं हमारी दुनिया में। और इसके बाद यहां पर हमारे पास एक पीकॉक, ये देखो ये पीकॉक वाला पेंसिल शार्पनर है, आप यहां से नीचे से पेंसिल डाल के शार्प करो और यहां से कचरा निकाल सकते हो, ये देखो ये खुल जाता है पूरा और कचरा आप बाहर निकाल सकते हो बहुत आराम से, काफी बढ़िया पेंसिल शार्पनर है ये पीकॉक वाला। इसके बाद यहां पर ब्लू कलर में हमारे पास एयरप्लेन वाला पेंसिल शार्पनर है, देखो कितना क्यूट एयरप्लेन है, है ना गाइज, एकदम मसली मस्त लग रहा है, एकदम टॉय की तरह नजर आ रहा है ना। आप यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प करो और यहाँ से कचरा निकाल लो और ये वापस ऐसे बंद हो जाता है। और इसके बाद हमारे पास ग्रीन कलर की भी एक गन है, अभी हमने दिखाई थी थोड़ी देर पहले आपको ब्लू कलर की गन, अब हमारे पास है ग्रीन कलर की गन और ये दोनों ही पेंसिल शार्पनर है। तो ग्रीन वाली में भी यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हो आप लोग और ब्लू वाली में तो मैंने आपको दिखाई दिया था, सेम ही है, बस कलर अलग है बाकी काम दोनों का सेम है ना गाइज, कितनी क्यूट ये। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर में एक हमारे पास फिश वाला पेन है, ये देखो यहाँ पर रेड कलर है दोनों तरफ, बीच में ब्लू कलर है, फिश कलर एकदम फिश वाली लुक है और फिश वाले स्केल्स भी यहाँ दिए गए, जैसे फिश के ऊपर स्केल होते हैं ना वैसे स्केल यहाँ दिए गए हैं। और यहाँ से कैप हटा के आप पेन को यूज कर सकते हो, इससे हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी आती है और पेन की जो लुक है वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कलर का पेन है हमारे पास, ये एवोकाडो वाला पेन और इसमें मल्टी कलरिंग पेन है, इसके अंदर टोटल 10 कलरिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देखो ब्लू कलर भी है, यहाँ पर रेड भी है और यहाँ येलो भी है और भी यहाँ पर बाकी के बहुत सारे कलर हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास है,
देखो काफी बढ़िया। और यहाँ पे ये है एंग्री बर्ड वाला, देखो यहाँ पर एंग्री बर्ड्स बने हुए हैं, देखो यहाँ पर भी एंग्री बर्ड है, यहाँ पर भी कितने सारे एंग्री बर्ड बने हुए हैं। और एंग्री बर्ड गेम किस किस ने खेली है जल्दी से बताओ, नहीं खेली है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एंग्री बर्ड गेम खेल सकते हो और बहुत ही मस्त गेम है। और यहाँ से ओपन करके आप इसके अंदर पानी भर सकते हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जूस वगैरह, बॉर्नविटा वगैरह, और बाद में यहाँ से स्ट्रो से ये कैप हटा के आप यहाँ स्ट्रो से पानी पी सकते हो, है ना गाइस, कितनी ज़बरदस्त चीज़, बहुत ही मस्त है, मुझे तो बहुत ही पसंद आई ये चीज़। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, एक और हमारे पास जो है वाटर बॉटल है, ये देखो काफ़ी बढ़िया, और इसके अंदर व्हील भी लगे हुए हैं, ये देखो आप ज़मीन पर इसको चला भी सकते हो, ये देखो ये व्हील घूमते हैं, आप ज़मीन पर चला सकते हो, खेल सकते हो इसके साथ। और देखो कितनी बढ़िया इसकी लुक है, यहाँ पर हैंडल दिया गया है इसको पकड़ने के लिए, और यहाँ पर देखो इसकी जो लुक है ना वो इंसेक्ट वाली है, लेडी बग इंसेक्ट होता है ना, लेडी बग वो वाला लग रहा है गाइस, आपने पार्क में देखा होगा ऐसा इंसेक्ट। और यहाँ पर देखो यहाँ से इसको खोलना होता है, यहाँ से आप पानी पी सकते हो, और पानी भरने के लिए यहाँ से कैप हटाओ, यहाँ से आप पानी फिल कर सकते हो, और इसके अंदर हमें स्ट्रैप भी मिलती है, ये देखो यहाँ पर ये दो हुक दिए गए हैं जिसकी हेल्प से आप इधर और इधर से आप इसको टांग भी सकते हो अपने शोल्डर वगैरह पे, और ये वापस से ऐसे बंद भी हो जाते हैं बहुत आराम से बिना किसी दिक्कत के, और ये वापस ऐसे देखो, और ये हमने इसको यहाँ पर लॉक कर दिया। कैसी लगी आपके वाटर बॉटल ग्रीन कलर की कमेंट में बताओ, ये इंसेक्ट वाली वाटर बॉटल बहुत मस्त है, इसको आप ज़मीन पर चला भी सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ब्लू कलर का BT21 का स्टडी प्लानर केस है हमारे पास, ये दोस्तों एक बहुत ही प्यारा स्टेशनरी केस है, इसके अंदर आपकी काफ़ी सारी स्टेशनरी आ जाएगी, इरेजर्स आ जाएंगी, आपके शार्पनर्स आ जाएंगे, पॉकेट मनी भी आ जाएगी, एयरपॉड्स भी आ जाएंगे आपके, और ये दोस्तों आप पॉकेट में रख के इसको कहीं भी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आती, इसको पॉकेट में रख के कहीं भी लेकर जा सकते हो। यहाँ पर ग्रीन कलर का अम्ब्रेला वाला पेन भी है हमारे पास, यहाँ से कैप हटा के आप पेन को यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया पेन है अम्ब्रेला वाले, अम्ब्रेला की लुक में। यहाँ पर हमारे पास एक और वाटर बॉटल है, ये देखो काफ़ी बढ़िया वाटर बॉटल है, इसके अंदर 350 ml वाटर आ जाता है, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर हैंडल दिया गया इसको पकड़ने के लिए, और इसको खोलेंगे कैसे, यहाँ से इसका लॉक, यहाँ एक बटन है इसको दबाओ ये खुल जाती है, यहाँ से पानी पी सकते हो आप लोग, और फिल करने के लिए आपको यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर खींचना है तो इसकी कैप हट जाती है, ये देखो हटने वाली है, और यहाँ से आप पानी फिल कर सकते हो। और इसके अंदर स्ट्रैप भी दिया गया है कि छोटा सा, और स्ट्रैप आप लगा सकते हो जिसकी हेल्प से आप इसको पकड़ने में आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी, और ये वापस से ऐसे बंद हो जाती है। कैसी लगी आपको वाटर बॉटल कमेंट में बताओ, और ये ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है, देखो आर पार मेरा हाथ भी नजर आ रहा है, तो इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है वो आपको बाहर से ही दिख जाएगा, ये इसकी खासियत है। और इसके बाद यहाँ पर ग्रीन कलर की हमारे पास एक और वाटर बॉटल है, ये ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है, यहाँ पर पांडा बेयर बना हुआ है लिखा ये है, और देखो काफ़ी बढ़िया वाटर बॉटल है, इसके ऊपर हैंडल भी दिया गया है, इसको आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। और इसको पानी पीने के, इसमें पानी पीने के दो तरीके हैं, सबसे पहले यहाँ से इसका लॉक खोल लो, नीचे कर लो, अगर आपको ज़्यादा पानी पीना है एक साथ तो यहाँ से खोलो, यहाँ से बहुत सारा पानी एक बार आपके एक साथ आपके मुंह में आएगा, और कम पानी पीना है तो ये बटन दबाओ, यहाँ से आप पानी पी सकते हो स्ट्रॉ से। तो कैसी लगी ये कमेंट में बताओ, और वाटर फिल करने के लिए आपको इस तरीके से इसको खोलना होता है, और इसके अंदर आप वाटर फिल कर सकते हो, और सारा पानी कितना भरा हुआ वो इसके अंदर दिख जाएगा, और इसके अंदर स्ट्रैप भी दी गई है जो आप यहाँ पर और यहाँ पर लगा के टांग सकते हो, जिसकी हेल्प बहुत अच्छा लगेगा। और नहीं टांगनी है स्ट्रैप तो यहाँ पर हैंडल दिया ही गया है इसकी, इसको पकड़ के आप इसको कहीं पर भी लेकर के जा सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर का एक पेंसिल बॉक्स है, ये स्पेस एक्सप्लोर वाला पेंसिल बॉक्स, देखो यहाँ पर चार बटन दिए गए हैं, चारों बटनों पे कुछ लिखा है, यहाँ लिखा टेप कटर, तो इसको दबाते हैं तो यहाँ से टेप और टेप कटर बाहर आ गया, यहाँ पर लिखा है पेंसिल शार्पनर, तो ये बटन दबाने से यहाँ से पेंसिल शार्पनर बाहर आ गया, और यहाँ लिखा है सीजर्स, तो ये बटन दबाने से सीजर बाहर आ गई, इस सीजर से आप पेपर वगैरह कट कर सकते हो, इससे उंगली कटने का खतरा नहीं रहता है। और यहाँ पर लिखा है इरेजर, ये बटन दबाओ तो यहाँ से इरेजर बाहर आ जाती है, कितनी बढ़िया पेंसिल बॉक्स है ना गाइस, ये मल्टी फंक्शनल पेंसिल बॉक्स बोलते हैं गाइस इसको, काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसको ओपन करोगे आप लोग तो यहाँ एक रूलर लिखा हुआ है, इसको स्लाइड करोगे तो यहाँ से 18 cm का रूलर यानी कि स्केल बाहर आ जाता है, और ये वापस से ऐसे लग भी जाता है, यहाँ पर आप पेन पेंसिल लॉक कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है ना गाइस ये। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीन कलर का एक बहुत ही प्यारा पेंसिल बॉक्स, ये बस वाला पेंसिल बॉक्स है, लिखा स्काई ट्रैवल, और देखो यहाँ पर कैट बनी हुई है जो प्लेन के अंदर बैठ के उड़ रही है, और यहाँ पर दो व्हील इधर दिए, दो इधर दिए, धागा यहाँ दिया गया है, तो इसकी खासियत ये है, ये धागा आप खींच के छोड़ोगे तो ये मोटर इसके अंदर होती है, व्हील बहुत तेज़ी से घूमते हैं, देखो बहुत तेज़ी से व्हील घूमते हैं, आप इसको ज़मीन पर चलाओगे तो बहुत तेज़ भागेगी ये, और आप इसके अंदर स्टेशनरी भी रख सकते हो यहाँ पर और यहाँ पर, और इसके नीचे भी स्टेशनरी रख सकते हो, और यहाँ पर इसकी मोटर दी गई है। कैसी लगी ये आपको बताओ कमेंट में। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्लू कलर में एक और पेंसिल बॉक्स है हमारे पास, बहुत बढ़िया, यहाँ पर देखो ये स्पाइडरमैन वाली पेंसिल बॉक्स, और देखो यहाँ पर स्पाइडरमैन बना हुआ है, और ऊपर सनरूफ दी गई है, एकदम खुली छत दी गई है, और यहाँ पर व्हील प्रिंटेड है, और देखो कितनी बढ़िया स्लिम ट्रिम लुक है इस पेंसिल बॉक्स की। तो इसको ओपन करोगे आप लोग यहाँ से, तो ओपन करते ही देखो इसके अंदर क्या क्या मिलता है, इसके अंदर ट्रे है, ट्रे के ऊपर आपको मिलता है स्केल, और ये देखो काफ़ी बढ़िया, और एक इरेजर एक शार्पनर, और ट्रे को आप हटाओगे
तो ट्रे के नीचे भी आपको काफी सारा स्पेस मिलेगा स्टेशनरी रखने के लिए, है ना गाइस। कितना बढ़िया सिस्टम इसका, मुझे काफी अच्छी लगी पेंसिल बॉक्स, और ये आराम से ऐसे बंद भी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कलर में हमारे पास एक ग्लू स्टिक है देखो, और यहाँ पर देखो एक डायनासोर बना हुआ है, बेबी डायनासोर, और यहाँ से कैप हटा के आप इस तरीके से इसको घुमाओगे तो ये देखो ग्लू स्टिक बाहर आ गई, और कुछ भी चिपका सकते हो आप इसको इसकी हेल्प से, और चिपकाने के बाद वापस ऐसे बंद कर सकते हो। कितनी क्यूट लग रही है ना गाइस ये। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर में बहुत ही प्यारा यूनिकॉर्न का मिरर और कॉम सेट है, यानी कि इसी के अंदर कॉम भी रहता है और मिरर भी रहता है। दिखाता हूँ मैं खोल के, तो इसको खोलने के बाद आप देखो यहाँ पर खोला तो यहाँ पर हमें मिल रहा है इसके अंदर मिरर, यहाँ मिरर और यहाँ पर कॉम्ब है। कॉम्ब कैसे यूज करोगे, यहाँ से इसको पुश करोगे तो ये देखो कॉम्ब बाहर आ गया, इससे बालों को कॉम्ब कर सकते हो, और वापस से इसको ऐसे अंदर भी कर सकते हो, और बंद करने के बाद ऐसे रख सकते हो, और पॉकेट में गर्ल्स स्पेशली इसको कहीं पर भी लेकर जा सकती है, यूज कर सकते हैं, बॉयज भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर का डायनासोर वाला कीचेन है, यहाँ पर देखो एक डायनासोर है, कितना बढ़िया लग रहा है गाइस ये, बड़ा फनी भी लग रहा है देखने में। यहाँ पर भी डायनासोर प्रिंटेड है, और यहाँ पर एक हुक दिया गया जिसकी हेल्प से आप इसको कहीं पर भी टांग सकते हो, लटका सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर ब्लू कलर में हमारे पास स्माइली वाला पेंसिल शार्पनर है, यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प करो और यहाँ से कचरा निकाल लो। और इसके बाद हमारे पास ग्रीन कलर में भी एक पेंसिल शार्पनर है, ये है अलार्म वॉच वाला पेंसिल शार्पनर, मैं दिखाता हूँ आपको निकाल के। ये देखो यहाँ पर एक अलार्म वॉच आपको दिख रही होगी, ऐसा लग रहा हो ना अलार्म वॉच है गाइज, ये अलार्म वॉच जैसी लुक में पेंसिल शार्पनर है। यहाँ से दो दो पेंसिल शार्प करो और यहाँ से कचरा निकाल लो। देखो इसमें भी यहाँ पर दो ब्लेड दिए गए हैं, है ना गाइज, कितना बढ़िया। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर का एक और पेंसिल बॉक्स है, देखो कितना बढ़िया है, लिखा स्पेस, यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट बना हुआ है, क्या बढ़िया लिखे है, लिखा सुपर एस्ट्रोनॉट, क्या इसकी प्रीमियम लुक है ना दोस्तों, क्या कलर है, क्या लुक है, एकदम मस्त लग रहा है मुझे। यहाँ पे इसके ओपन करोगे तो इसके अंदर एक सरप्राइज है, सेम ऐसा ही एक पेंसिल बॉक्स इसके अंदर भी मिल जाता है हमें, और इसके अंदर भी आप स्टेशनरी रख सकते हो। यहाँ ट्रे के ऊपर देखोगे तो 1 से 9 तक टेबल लिखी हुई है, ट्रे को हटा के देखोगे तो ट्रे के नीचे बहुत बड़ा और गहरा स्पेस मिलता है अलग अलग टाइप की न्यू स्टेशनरी रखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कलर का स्कूल पिकनिक वाला पेंसिल बॉक्स है हमारे पास, यहाँ लिखा है स्कूल पिकनिक, और ये सारे एनिमल्स पिकनिक पे जा रहे हैं, और देखो यहाँ से भी इसकी लुक देखो कितनी बढ़िया है। यहाँ पर व्हील दिए गए हैं, 2 व्हील इधर हैं, देखो कितने बढ़िया, और ज़मीन पर आप चला के खेल भी सकते हो। और यहाँ से इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर भी आप देखो कितना सारा स्पेस है अलग अलग प्यारी प्यारी स्टेशनरी रखने के लिए, और यहाँ पर भी बहुत सारा स्पेस है अलग अलग स्टेशनरी रखने के लिए। ये 2 साइड से खुलने वाला पेंसिल बॉक्स है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है डायनो वाला एक पेंसिल बॉक्स, यहाँ एक डायनासोर है और इसने अपने हाथ में ऑरेंज जूस लिया हुआ है, देखो कितना बढ़िया बढ़िया लग रहा है। और ये भी मेटल का बना हुआ पेंसिल बॉक्स है, तो इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर आप 4 पेंसिल यहाँ लॉक कर पाओगे, 1, 2, 3, 4, 5 लॉक कर पाओगे दोस्तों। और ट्रे के ऊपर आप पेंसिल लॉक कर पाओगे, ट्रे के नीचे बाकी की बची हुई स्टेशनरीज आराम से रख पाओगे, बहुत स्पेस है इसके अंदर। यहाँ पर ग्रीन कलर का हमारे पास एक पेंसिल बॉक्स है, ये स्पार्टन वॉरियर्स का पेंसिल बॉक्स, यहाँ पर 2 वॉरियर्स बने हुए हैं, इसको ओपन करोगे तो ट्रे के ऊपर 3 पेंसिल यहाँ लॉक कर पाओगे, और यहाँ पर अलग अलग स्टेशनरी रख पाओगे, और ट्रे के नीचे तो बहुत ही बड़ा स्पेस है। इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें आपकी बहुत आराम से आ जाएंगी, कई चीज़ें आपकी आराम से आ सकती हैं। यहाँ पर BTS का एक पेंसिल बॉक्स है, देखो कितना बढ़िया, यहाँ लिखा है हेल्दी डायनामाइट, यहाँ BTS लिखा है, और इन BTS के जितने भी कैरेक्टर हैं इनका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना। और इसको यहाँ से ओपन करके यहाँ पर ट्रे के ऊपर आप पेन पेंसिल लॉक कर सकते हो, और ट्रे के अंदर जो शेप्स बनी है ना इसकी हेल्प से आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हो। और यहाँ पर 3 अलग अलग कंपार्टमेंट है, साइजेस के हिसाब से आप जो है चीज़ें स्टेशनरी इसके अंदर अरेंज करके रख सकते हो, और ये देखो आराम से बंद भी हो गया, काफ़ी बढ़िया है ये। और इसके बाद यहाँ पर बैंड 10 का हमारे पास बहुत बढ़िया लंच बॉक्स है, और यहाँ लिखा है बैंड 10, यहाँ पर बैंड 10 बना हुआ, और यहाँ पर बैंड 10 के एलियंस बने हुए हैं। आपका फेवरेट एलियन कौन सा है कमेंट में बताओ। और ये लंच बॉक्स को हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद देखो कितना सारा इसमें स्पेस है, और ये यहाँ पर ओपन हो गया, और इसके अंदर एक देखो सबसे मस्त चीज़ क्या है, इसके अंदर एक स्पून मिली है, और ये इससे नूडल इस तरफ से खा सकते हो, इस तरफ से राइस खा सकते हो, वाओ कितनी बढ़िया चीज़ है। और एक मिनी लंच बॉक्स है, इसके अंदर आप सब्जी वगैरह सैलड वगैरह लेकर जा सकते हो, और बाकी के स्पेस में आप रोटी राइस पराठे वगैरह लेकर जा सकते हो। और ये देखो, और ये आराम से ऐसे खुल भी जाता है, और आराम से बहुत आराम से बंद भी हो जाता है ना, कितना बढ़िया लंच बॉक्स। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर का एक पिगी बैंक है, ये है डायनो वाला पिगी बैंक, और देखो जैसे मैंने आपको एक और दिखाया था ना, लिखा है हैप्पीनेस, और यहाँ देखो यहाँ पे हनी पी रहा है डायनासोर, यहाँ लिखा देखो क्या लिखा है, आई लव हनी यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, यहाँ लिखा है डायनो, और देखो इसकी जूते की शेप है एकदम, और यहाँ पर सूलेसिस भी दिए गए हैं, और साइड में से इसकी लुक देखोगे तो जूते के जैसी है। और यहाँ से आप पैसे डाल सकते हो इस पिगी बैंक में, और जब ये फुल हो जाए तो आपको क्या करना है, ताला आपको इस तरीके से खोलना है, और ताला खोलने के बाद यहाँ से आप पैसे निकाल सकते हो, सारे पैसे आपके यहाँ स्टोर हो जाएंगे, और आपको मिट्टी के गुल्लक की तरह इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको खाली करने के बाद आप दोबारा से भरना शुरू कर सकते हो। और इसके बाद ग्रीन कलर का हमारे पास बहुत ही प्यारा एक वाटर कलर का सेट है, दिखाता हूँ निकाल के,
तो ये देखो, ये रहे कितने सारे वाटर कलर हैं इसके अंदर, देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, है ना, कितने सारे वाटर कलर। और इसके अंदर एक कलरिंग ब्रश भी यहाँ पर दिया गया है साथ में ही, तो इससे आप कलरिंग वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पर हमारे पास स्पाइडरमैन का एक बहुत बढ़िया पेंसिल बॉक्स है। यहाँ पर देखो एक ब्लैक और ग्रीन कलर का स्पाइडरमैन है और एक रेड स्पाइडरमैन है। और यहाँ पर ये कौन सा करेक्टर है इसका नाम बताओ कमेंट में। यहाँ एक बटन है, इस पर लिखा है ओपन, चलो दबाते हैं इसको। बटन दबाते ही देखो यहाँ पर दो एक ढक्कन ओपन हो गया, यहाँ दो दो होल दिख रहे हैं। और यहाँ से ओपन करोगे तो यहाँ पर दिखेंगे शार्पनर के ब्लेड, तो यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प करोगे तो यहाँ से कचरा बाहर आ जाता है, है ना, कितना बढ़िया। और इसको ओपन करोगे आप लोग, यहाँ पर भी आप स्टेशनरी रख पाओगे, यहाँ पर पेन पेंसिल लॉक कर पाओगे, और पीछे भी आप बहुत सारे स्केल वगैरह कंपास डिवाइडर वगैरह रख पाओगे। यहाँ पर हमारे पास ग्रीन कलर की एक इरेजर है, ये है 3D इरेजर, और मैं आपको दिखाऊंगा ये इरेजर बहुत पसंद आएगी आपको। ये देखो, ये है चॉकलेट इरेजर, देखो ये लिखा है चॉकलेट इरेजर, और देखो इसके अंदर एक ग्रीन कलर की चॉकलेट निकलती है, और सब जगह लिखा है नाइस 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 नाइस, कितनी बढ़िया है ना गाइज, ये बहुत अच्छी है। और इस तरीके से पैक हो जाती है, सबको लगेगा कि आपके हाथ में कोई चॉकलेट है या फिर कोई च्युइंगम है, आप लेकिन बताओगे ना ये चॉकलेट च्युइंगम नहीं है, ये चॉकलेट च्युइंगम जैसे दिखने वाली इरेजर है, तो सब शॉक हो जाएंगे, काफी बढ़िया चीज़ है ये। इसके बाद ग्रीन कलर का एक पेंसिल बॉक्स है हमारे पास, यहाँ लिखा आई गो होम, और यहाँ टेडी बियर बना हुआ है, यहाँ पर भी टेडी बियर बना हुआ है। यहाँ एक बटन है, इसको दबाने से यहाँ पर लाइट जलने लगती है। अब इसकी बैटरीज वीक हो गई है, मैं चेंज कर लूँगा। और इसको ओपन, यहाँ से ओपन करोगे तो यहाँ पर ट्रे के ऊपर पेन पेंसिल लॉक कर पाओगे, ट्रे के नीचे काफ़ी सारी स्टेशनरी रख पाओगे। इसके अंदर एक इरेजर मिलती है और एक इनबिल्ट पेंसिल शार्पनर इसके अंदर मिल जाता है, जो इस पेंसिल बॉक्स की सबसे बड़ी खासियत है। और ये वापस से ऐसे आराम से बंद भी हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं हमारे पास है लास्ट पेंसिल बॉक्स, जो है बेन 10 का जंबो कैलकुलेटर पेंसिल बॉक्स। और यहां पर कैलकुलेटर मिलता है, इसको ऑन करके आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। यहां पर चार बटन आपको व्हाइट कलर के दिख रहे होंगे, यहां पर है शार्पनर, यहां रख सकते हो इरेजर, और यहां पर भी आप एक्स्ट्रा इरेजर शार्पनर्स छोटे कलर छोटी पेंसिल्स आप रख सकते हो। और यहाँ पर भी आप स्टेशनरी रख पाओगे, और यहाँ पीछे भी स्टेशनरी रख पाओगे, और यहाँ नेम क्लास आप लिख पाओगे। तो दोस्तों मैंने एक एक करके सारी की सारी स्टेशनरी आपको दिखा दी, आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को व्हाट्सअप फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ग्रुप्स में भी शेयर कर देना, कमेंट में जरूर बताना आज के वीडियो में कौन सी स्टेशनरी विनर है, ब्लू स्टेशनरी विनर है या फिर ग्रीन स्टेशनरी विनर है। पूरा वीडियो नहीं देखा है तो फिर से जाके देखो, बहुत मजा आएगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को दबा लेना, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा ही आपको मिलते रहे। दोस्तों बाय बाय।